हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का वे टू बी एच यू चैनल में। आज हम लोग देखेंगे नेट पेपर यूजीसी का 2018 जो जून में हुआ था उसका पेपर सेकंड। तो इसमें हम लोग आज 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, जिसमें से कि ये पार्ट सेकंड है और पार्ट सेकंड में हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय शिक्षक शिक्षा पाठ्यचर्या में शिक्षा के दर्शन को शामिल करने के हेतु सही तर्क प्रस्तुत करता है। तो इसमें से जो कूट माना गया है आंसर उसका बी, सी और ई को माना गया है कि दर्शन शास्त्र शैक्षिक अवधारणाओं को समग्र रूप से समझने में सहायता प्रदान करता है। उसके साथ कि दर्शन शास्त्र और शिक्षा एक सिक्के के दो पहलू हैं, और फिर उसके बाद शैक्षिक अवधारणाओं के दार्शनिक विश्लेषण से विवेकपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता मिलती है। तो इसका ऑप्शन जो माना गया है वो दूसरा सही माना गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन अस्तित्ववादी शिक्षा के समर्थन करने वाला अध्यापक द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? तो अस्तित्ववाद में जो है वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिता की बात की जाती है, तो इसलिए मूल्य व्यक्तिनिष्ठ एवं व्यक्तिक होते हैं, ये अस्तित्ववादी शिक्षा दर्शन को समर्थन करता है। इसमें अस्तित्ववाद में क्या होता है, संकटवाद से उत्पन्न हुआ होता है, इसलिए यहाँ पे व्यक्ति पर ज़्यादा विशेष बल दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला है, भूखे पेट प्रार्थना नहीं की जा सकती, तो ये प्रयोजनवाद के अनुसार है। एक एक क्वेश्चन और इसके पहले पूछा हुआ है अन्य यूजीसी पेपर में कि भूखे भजन होइ गोपाला लेला अपन कंठी माला, ऐसा कोटेशन देके उसमें पूछा गया था कि किससे संबंधित है, तो उस समय भी प्रयोजनवाद सही हुआ था। इस बार भी तीसरा ही सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि अभिकथन माया ब्रह्म के विपरीत दृष्टिकोण अपनाती है, और जिसका तर्क दिया गया है कि माया एक प्रतिभासिक जगत का सृजन करती है। तो यहाँ पे ये दोनों की ही बात की गई है, लेकिन ये इसका सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5वां, कि बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली अवधारणाओं के सही समुच्चय का चयन कीजिए। तो बौद्ध धर्म में जो बात कही जाती है वो वैभाषिक की बात की जाती है, और पबज्जा संस्कार उसमें होता है। इसके अलावा स्वतांत्रिक और इसमें जो है स्यादवाद इसका बहुत प्रसिद्ध है। क्या है? स्यादवाद इसका बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दो सेटों को सम्मिलित कीजिए। तो इसमें से जो आंसर माना गया है वो चौथा माना गया है, जिसमें ए का संबंध प्रकृति, प्रकृति केवल कारण है। उसके अलावा फिर केवल कार्य ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के द्वारा की जाती है। इसके साथ ही कार्य कारण दोनों तन्मात्राएं हैं। इसके अलावा न कार्य कारण है, तो ये पुरुष है, पुरुष को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए इससे इसमें कोई कार्य कारण नहीं संबंध होता है। और ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों का कार्य मुख्यतः किसी कार्य को संपन्न करना होता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो है वो 4th सही हो गया है। अगला क्वेश्चन है, गांधीवादी शिक्षा का चरम लक्ष्य है, तो इसका लक्ष्य है मानव जाति का उन्नयन, ये सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। अगला है कि श्री अरविंद के परामानस के विचार से तात्पर्य है कि, तो इसमें परामानस वो होता है जिसमें अपनी जागृति चेतना को ऊपर उठाता है, तो इसलिए शिक्षक दूसरा वाला सही हो जाएगा। एक शिक्षक का कार्य मानव के जागृत चेतना को ऊपर उठाना है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9,
नीचे दो सेट दिए गए हैं। सेट वन में विचारकों का उल्लेख किया गया है, जबकि सेट टू में संबंधित विचारधारा दी गई है। दोनों सेटों को सुमेलित करना कीजिए और उसके उत्तर को सही कुट को दीजिए। तो इसमें जो उत्तर सही माना गया है वो तीसरा माना गया है इसका, कि जो ए जी अय्यर हैं, ए जी अय्यर का संबंध तार्किक विधेयकवाद से है। ए जी अय्यर तार्किक विधेयकवाद, और फिर इसका विटगेन इन का संबंध भाषाई विश्लेषण से है। ब्रंडेड रसेल का संबंध तार्किक परमाणुवाद से है। जी ई मूर का संबंध जो है वो नव यथार्थवाद से है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा सहमति दी जाएगी? तो सबसे बड़ी बात कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय और गणतंत्र, लोकतांत्रिक, ये सारी चीज़ें आपकी प्रस्तावना में दी हुई है। इसके अलावा जो होगा वो उससे संबंधित नहीं होगा, तो इसलिए धर्म, ईश्वर और मोक्ष, उसके अलावा ये और क्षेत्रीयता और राष्ट्रीयतावाद, ये दोनों हमारे संविधान में संबंधित नहीं है, और सबकी अन्य ये तीनों संबंधित है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण से तात्पर्य है? तो आधुनिकीकरण से तात्पर्य है विद्यमान आवश्यकताओं एवं जीवन शैलियों के संदर्भ में अनुकूलन की प्रक्रिया, ये आधुनिकीकरण से तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में निम्नांकित में से किन कारणों का सम्मिश्रण शिक्षा की प्रगति को मंदित कर देता है? तो इसमें से क्षेत्रीयता, जब हमारे शिक्षा में क्षेत्रीयता आ जाए, इसके अलावा निर्जातीयता आ जाए, शिक्षकों के प्रशिक्षण पर कम बल दिया जाए, और विद्यालयों में संप्रेषण प्रौद्योगिकी के संसाधनों की कमी हो, तब हमारी शिक्षा की प्रगति निम्न हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक गतिशीलता का निम्नांकित में से कौन सा उदाहरण है? तो सामाजिक गतिशीलता का निम्नांकित में से उदाहरण है भारतीय सेना में ग्रामीण युवाओं की नियुक्ति, ये हमारी गतिशीलता का उदाहरण है। गतिशीलता में क्या होता है, किसी भी समाज में नॉर्मली कोई विकास चल रहा है तो उसमें अचानक से बहुत ज़्यादा परिवर्तन या एकदम से नीचे चले जाना, तो वहाँ पे ये गतिशीलता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक अवसरों की समानता की अवधारणा का निहितार्थ है? तो शैक्षिक अवसरों की समानता का जो निहितार्थ, उसमें बच्चों की योग्यता, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अनुरूप संसाधन उपलब्ध कराना होता है, इसलिए इसका दूसरा सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नांकित में से कौन सा समूहों का सम्मिश्रण भारतीय समाज के अंतर्गत सुविधा वंचित संवर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसमें से हमारा पहला जनजातीय, मलिन बस्ती निवासी, उसके अलावा संविदाकृत श्रमिक और अनुसूचित जाति, ये हमारे समृद्ध भारतीय समाज के सुविधा वंचित सवर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। जिन जनजातियाँ, उनको भी सताया गया है और उनके अधिकारों का हनन हुआ है पिछले समयों में, मलिन बस्तियों का, अनुसूचित जातियों का और संविदाकृत व्यक्तियों का। अगला क्वेश्चन है 16, इसमें से 16वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा पक्ष शारीरिक आयाम पर जोर देता है? तो शारीरिक आयाम पे वृद्धि का अवधारणा देता है, और वृद्धि का संबंध जो होता है हमारे शारीरिक आयाम से होता है। जैसे बच्चे में कोशिका में वृद्धि, उसकी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि होना, ये वृद्धि से संबंधित होती है। जबकि विकास का संबंध किसी बालक के संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक सभी पक्षों पे विकास पे बल देता है, और जब वृद्धि जो है वो सिर्फ शारीरिक आयाम पर बल देती है, इसलिए दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, नीचे प्रदत्त सूची से संप्रत्यय निर्माण के सही अनुक्रम की पहचान कीजिए, उत्तर हेतु कूट से चयन कीजिए। तो इसमें से ऑप्शन दूसरा चौथा सही है कि समस्या का साक्षात्कार, फिर उसके बाद समस्या का विश्लेषण किया जाता है। पहले जो है वो सबसे पहले
समस्या का साक्षात्कार किया जाएगा, प्रॉब्लम क्या है आइडेंटिफाई टू द प्रॉब्लम किया जाएगा, फिर उसका समस्या के एनालिसिस किया जाएगा, फिर उसके पश्चात समान अंशों की पहचान की जाएगी, तब अंतर देखा जाएगा और फिर उसके बाद असमान भिन्न अंशों को अमूर्तीकृत किया जाएगा, फिर लास्ट में क्रांतिक विशेषताओं का अवबोध किया जाएगा। इस तरीके से चौथा सही है। अगला है 18वां, शैक्षिक कार्यक्रम के आयोजन में प्रभाविता सुनिश्चित करने हेतु विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता के कौन पक्ष अधिकाधिक महत्व रखेंगे। तो यहाँ पे मनोवैज्ञानिक विशेषताएं ज़्यादा महत्व रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 19वां, नीचे 5 प्रकार के अधिगम प्रकारताओं की सूची दी गई है जिसमें से रॉबर्ट ज्ञाने का अभिगम बताया गया है, प्रदत्त को सही कूट से अधिक्रम को चुनते हुए अपना उत्तर दें। तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहला होता है सिग्नल लर्निंग, फिर उसके बाद होता है SR स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, और उसके बाद फिर आता है हमारा श्रृंखला चेनिंग, फिर उसके बाद जो आता है वो होता है चौथा संप्रत्यय कॉन्सेप्ट लर्निंग, 5वां रूल लर्निंग। यदि इसको सही क्रम में लगाएं तो सबसे पहले आ जाएगा आपका संकेत या फिर साइन थ्योरी, जो सबसे पहले आ जाता है वो संकेत, फिर उसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है SR लर्निंग, पहला SR लर्निंग, दूसरा, फिर तीसरा जो आता है वो होता है श्रृंखला चेन लर्निंग, श्रृंखला आती है, चौथा जो होता है वो होता है संप्रत्यय, चौथा संप्रत्यय लर्निंग, कॉन्सेप्ट लर्निंग जिसको बोलते हैं, 5वां जो होता है वो होता है आपका नियम रूल लर्निंग होता है। तो इसलिए इस तरीके से 8 इसमें बताए गए हैं ज्ञान ने जिसको बताया है। 20वां है आपका, 20वां क्वेश्चन, टॉलमैन की संशोधित अधिगम प्रणाली में अधिगम की बुनियादी प्रकारताओं में किसे शामिल किया गया है। तो यहाँ पे ये क्षेत्र संज्ञान प्रकारता को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरकों की प्रकारिता की अवधारणा किसने दी है। तो प्रेरकों की प्रेरक यदि बात की जाएगी अभिप्रेरणा की तो मैकडूगल आते हैं, लेकिन इसके बाद अल्पोर्ट, प्रेरकों की प्रकारात्मक स्वायत्तता से संबंधित है अल्पोर्ट। अगला क्वेश्चन है, स्किनर के प्रक्रिया प्रसूत अनुबंधन में व्यवहार रचना हेतु निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे ये पौवारपर्य सन्निकट का सिद्धांत आता है। अगला क्वेश्चन है 23वां का, कि नीचे दी गई सूचियों में समंथन एवं रक्षा युक्ति के अनुप्रयोग में संबंधित कई कथन दिए गए हैं, उन कथनों को पहचान कीजिए और रक्षा युक्त भूमि पर प्रकाश डालिए। तो इसमें से जो ऑप्शन माना गया है वो पहला तीसरा माना गया है, जिसमें से कि पहला आपका है कि समस्याओं के समाधान के लिए समय देना अन्यथा वे आक्रांत कर लेंगी। इसके अलावा है समस्याओं को दरकिनार करना, जो छोड़ देना, पलायन करना, जिसके अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद चौथा है कि जीवन के परिस्थितियों में सुकरता को बढ़ावा देने हेतु अचेतन में उपयोग करना। फिर उसके बाद है सत्यभाषी व्याख्याएं प्रस्तुत करना। तो इसलिए ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24 है, नीचे दिए गए 2 समुच्चय में व्यक्तित्व के भारतीय प्रतिमान का विवरण देते हुए समुच्चय 1 में कोष का नाम दिया गया है, समुच्चय 2 में विभिन्न प्रकार के शरीर की प्रकारताएं तथा मुख्य तत्व सहित इंगित होते हैं, दोनों समुच्चय का मिलान कीजिए। तो इसमें से विज्ञान जो माना गया है सही, वो तीसरा सही माना गया है, कि पहले का चौथा विज्ञान में कोष जो होता है वो शरीर और कारण शरीर और वायु से संबंधित होता है। उसके अलावा मनोमय कोष जो है तो उनका संबंध शरीर और अग्नि से होता है।
प्राणमय कोष का संबंध स्थूल व सूक्ष्म व स्थूल शरीर की स्थिति और जल से संबंधित होता है। अन्नमय कोष का संबंध शरीर स्थूल शरीर और पृथ्वी से होता है। अगला प्रश्न है, हल के प्रबलन सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मध्यवर्ती चर के रूप में उपकल्पित किया जाता है? तो यहाँ पे उत्तेजना विभव जो है वो प्रबलन सिद्धांत के मध्यवर्ती चर के रूप में प्रस्तुत होता है। अगला क्वेश्चन है 26वां। 26वां का क्वेश्चन पे जाते हैं। नीचे दिए गए दो समुच्चय में फर्स्ट समुच्चय 1 क्रिया प्रसिद्ध अनुबंधन को पद्धतियों को बताता है तथा समुच्चय 2 संबंधित विवरण को प्रबलन संकेतों की उपस्थिति अनुपस्थिति प्रबलन की प्रकारता सकारात्मकता नकारात्मक तथा अनुक्रिया उत्पन्न व अनुरुद्ध करना इंगित करता है। दोनों समुच्चय का सम्मिलित करने के लिए कूट में उत्तर दीजिए। तो इसमें से जो माना गया है, पहला सही माना गया इसका कि पहले का संबंध जो होता है, पुरस्कार का संबंध जो होता है वो प्रबलन संकेत अनुपस्थित अनुक्रिया उत्पन्न और सकारात्मक प्रबलन से होता है। बी का संबंध पलायन पलायन में क्या होता है कि प्रबलन संकेत अनुपस्थित रहता है और अनुक्रिया उत्पन्न नकारात्मक प्रबलन होता है। जब सकारात्मक प्रबलन होगा तो बच्चा किसी कार्य को करना चाहेगा, यानी पुरस्कार पाने पे बच्चा और काम उस काम को अधिक करना चाहता है। नकार पलायन में क्या होता है, जब उसे दंड मिलता है तो वो उसे बचना चाहता है। अगला है सी का परिहार। परिहार का संबंध जो होता है वो प्रबलन संकेत उपस्थित होता है, अनुक्रिया उत्पन्न और नकारात्मक होती है। इसमें वो उससे जैसे डरता है, जैसे कि परिहार का मतलब कि वो उसे डरता है। जैसे एक बच्चा रहता है कि वो जिसको बोलते हैं आगे कुआं और पीछे खाई, इसमें दोनों साइड परिहार परिहार हो जाता है, दोनों चीज़ ही उसके निगेटिव हो जाती है, तो वहाँ पर परिहार होता है। और डी का संबंध है अकर्मक अकर्म प्रशिक्षण का संबंध होता है कि प्रबलन संकेत उपस्थित होता है, अनुक्रिया अवरुद्ध होती है, सकारात्मक प्रबलन होता है। इसमें हमको प्रेरणा तो मिलती है परंतु हमारा कार्य करने का मन नहीं करता, तो इसलिए इसका पहला सही हो जाएगा। इसमें से क्लास की अनुबंधन प्रतिभान के प्रतिपादन हेतु निम्नांकित में से किसे निराश्रित चर के रूप में प्रयुक्त किया गया है? तो इसका जो माना गया है वो माना गया है कि चौथा ऑप्शन इसका सही माना गया, अनुबंधित उद्दीपक। अगला क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित अधिगम के किस नियम को संशोधित करना पड़ा था? तो यहाँ पे इनको चौथा वाला संशोधित करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि बुद्धि और प्रज्ञा के किस प्रकार के मापन हेतु इष्टतम आयु स्तर को संगत माना जाता है? तो यहाँ पे संज्ञानात्मक प्रज्ञा को संगत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि में समूह कारक की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया? तो बुद्धि में समूह कारक की अवधारणा बोर्ट ने प्रतिपादित किया है। अगला क्वेश्चन 31वां, निर्देशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय सही है? तो इसमें से आपका निर्देशन में माना जाता है कि व्यक्ति निर्देशन एक व्यक्तिगत सहायता है, पहला सही होगा। निर्देशन स्व संयमन की ओर ले जाता है, ये भी सही है। इसके अलावा निर्देशन व्यक्तिगत भिन्नता को प्रारंभिक बिंदु मानता है, तो यहाँ पे ये सही बात है, तो इसलिए यहाँ पे ये चौथा सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, किसी छात्र को निर्णय लेने के लिए उद्देश्य से सहायता करने हेतु एक शिक्षक उसके द्वारा अनुभूत समस्याओं एवं चुनौतियों के बारे में गहराई से परिचर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से निर्देशन की कौन सी प्रकारता इस परिस्थिति को उपयुक्त रूप से अभिसंचित करती है? तो यहाँ पे उपबोधन प्रकारता होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी चुने हुए व्यवसाय में सफलता की संभावनाओं के आकलन हेतु निम्नांकित में से किस उपकरण का निर्देशन केंद्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका विभेदक अभिक्षमता का प्रयोग परीक्षण किया जाता है। जैसे कि कोई बच्चा अच्छा एग्जाम दे पाएगा हो पाएगा कि नहीं, तो इसके लिए MBBS बनने से नीट की परीक्षा होती है, या आपका भविष्य की सफलताओं
या सफलता की संभावनाओं का आकलन करने के लिए होता है। जैसे कि हम लोग के एग्ज़ाम में सीटेट या टेट वगैरह जो होता है वो हमारी अभी क्षमता को परीक्षण के लिए होता है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वगैरह ये इसी प्रकार का परीक्षण है। तो ये तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी और निर्देशात्मक उद्बोधन सत्र हेतु निम्नांकित में से कौन सा अत्यंत आवश्यक है? तो इसके लिए सेवार्थी से सौहार्द स्थापन, जैसे जाता है क्लाइंट जब किसी काउंसलर के पास तो सबसे पहले रप्योर रपट या फिर सौहार्द स्थापित किया जाता है, तो इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है जो है 35 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नीचे दिए गए दो समुच्चय का सुमेलित कीजिए। समुच्चय 1 में विभिन्न प्रकार के निर्देशन सेवाएं उल्लिखित हैं तथा समुच्चय 2 में इन सेवाओं की भूमिका प्रकार दर्शाए गए हैं। सही उत्तर को चुनने हेतु विकल्पों से चुनाव कीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें वृत्ति जगत की जो सूचना होती है उस वृत्ति सूचना में क्या होता है कि कार्य जगत के बारे में सूचना देना होता है। स्थानांतरण सेवा में क्या होता है, प्लेसमेंट्स में क्या होता है, व्यावसायिक तत्परता के आधार पर उपयुक्त संलिप्तता होती है। इसके बाद सी का संबंध जो अनुवर्ती सेवा होती है उसका संदर्भ उसका संबंध जो होता है वो किसी भी खास वृत्ति में प्रवेशोपरांत क्या हो रहा है उसके बारे में जायजा लेना होता है। इसके बाद डी व्यक्तिगत तालिका में क्या होता है, व्यक्ति की विशेषताओं और शक्तियों के बारे में सूचना दे दी जाती है। ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये 2019 में भी आया हुआ है, इसके पहले भी आया है, एमएड वगैरह में भी आया हुआ है, तो इसका आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है 36। एक कॉलेज का पुस्तकाध्यक्ष छात्रों के बीच विभिन्न प्रकार के पुस्तकों की मांग को ध्यान रखते हुए पुस्तकों को खरीदने की योजना बनाता है। तो ये सेंट्रल टेंडेंसी केंद्रीय प्रवृत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा माप उपयुक्त होगा? तो यहाँ पे ये बहुलांक मान उपयुक्त होगा। हम लोग जानते हैं कि जैसे कि जूतों का डिमांड या वस्त्रों का डिमांड ये लोग व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। ये एमएड वगैरह में बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, बस एग्जांपल्स बदल जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बहुलांक मान होगा। अगला है कि 37वां प्रयोगशाला प्रयोग तथा क्षेत्र प्रयोग में मुख्य अंतर निम्नांकित होता है। तो सबसे प्रयोगशाला में क्या होता है कि उसमें नियंत्रण ज़्यादा संभव होता है, फील्ड प्रयोग में जो है वो नियंत्रण की मात्रा कम हो जाती है। लेकिन इस ये क्षेत्र प्रयोग में मतलब हम लोग जो जनरलाइजेशन कर सकते हैं वो ज़्यादा कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल में जो हुआ उसका हम लोग जनरलाइजेशन नहीं कर पाते हैं सामान्य समाज में, तो इसलिए इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अन्वेषण RTE शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन को प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए अध्ययन करना चाहती है, तो इसमें सबसे अधिक कौन सा उपयुक्त होगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन आए या फिर प्रश्नावली ज़्यादा उपयुक्त होगी। अगला क्वेश्चन है 39 पे हम लोग जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शोधकर्ता ने स्वतंत्र प्रतिदर्शों पर आधारित दो मध्यमानों की तुलना करने के लिए टी परीक्षण का प्रयोग किया और पाया 0 पॉइंट स्तर पर टी का मान सार्थक है, तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ जो होता है वो होता है कि संभावना की गई है कि मध्यमानों के बीच 100 में से 5 प्रतिदर्श त्रुटियों के कारण आए हैं, जो अंतर आया है वो 5 प्रतिदर्श त्रुटि के कारण आया, मतलब गलती से आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक समूहकर्ता दो समूह में प्राप्त उसी पद्धति में टी परीक्षण और एफ परीक्षण दोनों का प्रयोग करता है, गणना करते समय टी और एफ के बीच में प्रकारात्मक संबंध होगा। तो यहाँ टी स्क्वायर बराबर एफ है, तो यहाँ एफ से एफ का मतलब होता है फीसर का जो टेस्ट है उससे संबंधित है, और टी स्क्वायर मतलब दो टी जब लगाएंगे तब वो हमारे एफ टेस्ट के बराबर होगा। टी टेस्ट में क्या होता है कि दो जैसे कि हमारे पास ए चर है और बी चर है, इन दोनों के बीच में जब हम मध्यमान का आने वाले अंतरों को पता करेंगे तो यहाँ पे टी टेस्ट हो जाएगा। जबकि एफ टेस्ट में क्या होता है कि हमारे पास ए चर बी चर मतलब जो ए वेरिएबल बी वेरिएबल और सी वेरिएबल और फोर वेरिएबल है, तो इनके बीच में जब हमको टेस्ट लगाना है तो वहाँ पे फीसर का प्रयोग होता है।
तो हमको यदि दो ग्रुप में करना था तो वो दो बार आपको टी टेस्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन यदि फीसर वाला है तो वहाँ पे आसानी से लग जाएगा, एक साथ ही वो पूरा निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दो महत्वपूर्ण सांख्यिकीय परीक्षणों को सेट दिए गए हैं। सेट वन में प्राचलिक परीक्षण दिए गए जबकि अप्राचलिक, दोनों में सुमेलित करना है। तो यहाँ पे इसका जो पहला है, तीसरा का संबंध जो स्वतंत्र टी परीक्षण का संबंध होता है, तो स्वतंत्र टी परीक्षण का संबंध मान विटनी यू टेस्ट होता है। उसके अलावा आश्रित टी परीक्षण जो होता है वो होता है काई स्क्वायर परीक्षण, आश्रित टी परीक्षण काई स्क्वायर परीक्षण होता है। और सी का संबंध जो एकल चरता इनोवा एफ टेस्ट होता है वो खुस्कल वालिस परीक्षण होता है। इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हमारे पास नॉर्मल डेटा है, जब हमारा डेटा नॉर्मल है, उसके बाद एनपीसी पे प्लॉट कर जा पा रहे हैं और इंटरवल लेवल पे है, तब वहाँ पे हम लोग प्राचलिक टेस्ट लगाते हैं, इसके विपरीत अप्राचलिक लगाते हैं। मान लीजिए हमारा हर चीज़ नॉर्मल आया और पैरामेट्रिक टेस्ट के चीज़ों को वो फॉलो कर रहा है, तो वहाँ पर हम लोग प्राचलिक परीक्षण करेंगे। यदि अपोजिट हो गया तो क्या करेंगे, तो वही है कि ए का संबंध जैसे स्वतंत्र टी परीक्षण है तो वहाँ पर हम लोग मान विटनी लगा लेंगे, और उसके बाद आश्रित टी परीक्षण है तो वहाँ पे हम लोग विलिस कान टी परीक्षण लगा लेंगे। और उसके अलावा यदि आपके पास एकल एफ टेस्ट है तो एफ टेस्ट की जगह आप लोग काई स्क्वायर यूज कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है 42वां, कि प्राप्तांकों के सामान्य वितरण में -1 जेड अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का अनुपस्थिति होगा। तो ये आपका जो होगा वो 16 होगा, -1 जेड पर अंक प्राप्त करने पर सत्मक की स्थिति वही लगभग 16 होगा या 15.87 होगा। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जेड वो जो मीन माना जाता है वो 50 माना जाता है, और 34.13 हमारा जो है -1 जब एनपीसी पे प्लॉट करते हैं, एनपीसी में प्लॉट करते हैं तो एक साइड का 0 से लेके -1 के बीच का दूरी जो होगा वो 34.13 होगा, और इसमें से 50 से घटाने पे ये आपका इतना मार्क्स आ जाता है 15.87। ये पूरा एरिया जो है वो 50% है, 50% में 34 ये हटा देंगे तो जो जितना मार्क्स आ जाएगा 15.87, लगभग 16%। तो इस तरीके से ये यहाँ पे हो जाएगा। जो ये 50 है वो आपका एनपीसी के एक साइड का पूरा है, तो उसमें से ये घटा देने पे -1 सिग्मा, तो -1 सिग्मा का कितना मान होता है 34.13, उसको घटा देने पे इतना आ जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रतिदर्श में एन 300 है, मीन 60 है, एसडी 12 है। तो इसमें से 48 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या होगी, तो क्या होगी, ये आपका 252 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि दो चरों एक्स और वाई में उल्लेखनीय ऋणात्मक सहसंबंध है तो निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ पे ऋणात्मक सहसंबंध की बात किया, निगेटिव कोरिलेशन है, तो यहाँ पे एक चीज़ यदि बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घट जाएगी। ऋणात्मक सहसंबंध में क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घट जाती है। जैसे कि हमारा यदि कोई चीज़ बढ़ती है, जैसे कोई दाम बढ़ गया, किसी वस्तु का दाम बढ़ गया तो उस चीज़ की पैदावार बिक्री में कमी आएगी, तो यहाँ पे ये ऋणात्मक सहसंबंध होगा। क्वेश्चन नंबर 45, कि सेट वन और सेट टू के मदों में सुमेलित कीजिए, निम्नलिखित में से सही विकल्पों का कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे है इसका ऑप्शन जो है वो नामित का संबंध होता है तीसरे से, पर
पार्ट जब हम गतिविधियों से संबंधित छात्रों को सहभागिता के अनुसार सूचीबद्ध करते हैं। यहाँ पे सिर्फ नाम लिख रहे हैं तो यहाँ तीसरा सही हो जाएगा। फिर क्रमित मापनी का संबंध इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड लगा सकते हैं। तो इसमें संगीत कार्यक्रमों में उत्तम प्रदर्शन, तो ये इसका एक बी का पहला हो जाएगा। फिर अंतराल लेवल पे हम लोग कुछ ना कुछ अंक प्रदान करते हैं, तो ये सी हो दूसरा हो जाएगा। अनुपातिक में क्या होता है कि प्रति मिनट हम लोग अनुपात लगाते हैं, तो यहाँ प्रति मिनट शब्दों को लिखने की गति, ये आपका डी का चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46वां। एक्स और वाई का ऋणात्मक सहसंबंध यदि -48 है तो दोनों चरों में समानता का अनुपात होगा, तो यहाँ पर ये 0.23 होगा। अगला क्वेश्चन है परीक्षणों परांत एक ऋणात्मक विषमताकार वक्र के आधार पर यदि कठिन के बारे में सही अनुमान होगा, तो इसके बाद ऋणात्मक विषमताकार वाले वक्र के आधार पर परीक्षण के कठिन के बारे में सही अनुमान होगा, तो परीक्षण सरल है ऐसा माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिदर्श की जिस विधि में जनसंख्या के सभी वर्गों का अनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है उसे उस तकनीक को कहते हैं, तो इसमें स्तरित प्रतिदर्शन होता है, इसमें आंसर सही हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास 1000 कुल बच्चे हैं जिसमें से हमारे 700 जो हैं वो बीए के हैं, 700 बीए के हैं। इसके बाद 200 हमारे पास जो हैं वो एमए के बच्चे हैं और 100 जो हैं वो पीएचडी के, मान लीजिए मतलब पीएचडी के बच्चे हैं कुछ, तो वो हमारे पास 100 बच्चे हैं। कुल मिला के कितने हैं 1000। जब हम 1000 में से हमको 100 बच्चों को यदि चुनना है तो उसमें से हम यदि 70 इसमें से 20 इसमें से 10 ये लेते हैं, तो ये हमारे स्तरित का मापन होगा। मतलब जिसने अनुपात में हमारी जनसंख्या है उतने अनुपात में सैंपल भी लेंगे तो वो स्तरित में आएगा। यदि हम लोग वही यदि हम लोग उसको बांट देते हैं लेकिन उसमें से सही सही नहीं चुनते तो वो कोटा सैंपलिंग में चला जाता है। अगला क्वेश्चन है 49। अगले क्वेश्चन पे हम लोग 49 पे चलते हैं। 49 बहुल सहसंबंध के अधिकतम मान का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त पूरी की जानी चाहिए, तो इसमें से पहला है आश्रित चरों के साथ अधिक सहसंबंध होना चाहिए, फिर उसके बाद है स्वतंत्र चरों का एक दूसरे के साथ कम से कम एक के साथ सहसंबंधित होना चाहिए, तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही माना गया। अगला क्वेश्चन है कि समकक्ष प्रतिदर्शों का प्रयोग की कर किसी एक शोधकर्ता ने 100 परीक्षण में 95 के अंतर्गत सही सार्थक सहसंबंध प्राप्त कर लिए, तो उसे शून्य परिकल्पना को स्वीकार करने का निर्णय लिया, तो इसमें अल्फा स्तर कितना होगा, तो ये 0.5 होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।